हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लेरकोटला। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो अज के लैक्चर दे विच एमएस वर्ड द पार्ट 4 डिस्कस करांगे। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम वीडियो नू देख रहे ने, पिछले पार्ट्स भी जरूर देखो। इस तो इलावा जिन्होंने भी मार्क फेयर का एग्जाम देना है, करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखो। ओके, बिकॉज जून जुलाई थोड़ा एग्जाम है तो करंट अफेयरस तो आने ही आने हैं। उस तो इलावा जो भी मार्क फेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज है उन्होंने भी जरूर देखो, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी कोई ना कोई क्वेश्चन थोनू आ सकता है। ओके, सो जिन्होंने भी चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, तो बैल आइकन क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोनू रिसीव होंदिया रहन। एक होर गल, कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि जिहड़ी वीडियोज़ हैं कंप्यूटर वाली, ये सिर्फ मार्कफेड लिए है या बाकी भी एग्जाम्स लिए है? देखो, मैं बार बार दस चुकी कि जिहड़े कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस है वह मार्कफेड के लिए तो बाकी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सेम है। ओके, कुछ क्वेश्चन होंगे जो घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम के पाते रहते हैं जिन्हों। सो आप इस सीरीज़ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह नहीं है कि जी सीरीज़ है सिर्फ मार्कफेड के एग्जाम के लिए है, तुम्हें कोई भी पेपर देना है जिदेज कंप्यूटर फंडामेंटल का आना है, ठीक है? सो वो सारिया के लिए ये वीडियोज़ में तुम फॉलो कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट कर दे आज का लैक्चर। पहला क्वेश्चन है, वट इज़ गटर मार्जिन इन MS वर्ड पेज लेआउट। गटर मार्जिन का मतलब की है? देखो, जोड़ा गटर मार्जिन है वो इस तरीके का मार्जिन होंगे जोड़ा कि आप छड़ते हैं एक पेज के आप कह सकते हैं, जिमें सपोज आ मैंने कोई पेज क्रिएट किया हो, ठीक है, MS वर्ड के इतने मेरा एवं टैक्स लिखा हुआ। सो गटर मार्जिन केड़ा है? वो वाला मार्जिन जो छड़ा जाता है ताकि जो मैं ये वाले पेजिज़ नूं, जिवें एवें दो तीन मेरे को पेज है, ओके, जो मैं ये वाले पेजिज़ नूं प्रिंट आउट लैना है तो जोड़ा मेरा टैक्सट है ये खराब ना हो। ओके, सो जोड़ा गटर मार्जिन होया वो केड़ा मार्जिन होया? ऐसा मार्जिन जो कि छड़ा जाता है बाइंडिंग दे लई, मीनस जो आप प्रिंट करांगे फिर उस बाद बाइंड करांगे तो बाइंडिंग के दौरान अपना जोड़ा इंपोर्टेंट टैक्सट है वह खराब ना हो, जोड़ा मार्जिन छड़ा जाता उन्होंने आप की बोलते हैं गटर मार्जिन। ओके, सो गटर मार्जिन का मतलब क्या होया? मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज वैन प्रिंटिंग। ओके, हुण तुसीं आ इमेज देख रहे हो जिवें आ बुक है, आ बुक की इतने की की हुई है बाइंडिंग की हुई है, ये अंदर जोड़े भी पेजिज है उन्होंने ये जो मार्जिन उन्होंने छड़ा गया होगा ताकि जो बाइंडिंग की जाए उदो जो टैक्सट है, ठीक है, वह ये ना आए। ओके, सो जोड़ा ए वाली चीज़ हुई ये की हो एक तरीके का गटर मार्जिन, तो इतने बाइंडिंग की गई है। सिमिलरली ये जी नैक्सट अपने को इमेज है ये टॉप तो थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, मीनस इतने उपर छड़ा गया होगा ताकि जो यदि इतने बाइंडिंग की जाए टैक्सट है जोड़ा वह खराब ना हो। ओके, सो इतों थोड़ा एक होर चीज़ समझ आ रही हो कि जो गटर मार्जिन है या तो उन्होंने लैफ्ट साइड पर छड़ा जाता है पेज पर, ओके, या फिर उन्होंने टॉप पर छड़ा जाता है। ओके, सो ये भी गल याद रखनी है। नैक्सट क्वेश्चन है, गटर पोजिशन कैन बी सैट इन द फॉलोइंग पोजिशनस। गटर पोजिशन आप कितने सैट कर सकते हैं? मैं थोड़ा दसिया कि साइड है या लैफ्ट साइड है या फिर टॉप है। ओके, सो यद आंसर क्या होगा? बी, दैट इज़ लैफ्ट एंड टॉप। हूँ देखो, अगर तुम वर्ड के पेज सैटअप पर जाओगे, ठीक है, इतने थोड़ा ऑप्शन मिलेगा गटर पोजिशन का। देखो, गटर पोजिशन के ऑप्शन केड़े आ रहे हैं? लैफ्ट तो टॉप। ओके, सो लैफ्ट एंड टॉप ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नैक्सट, हूँ देखो नैक्सट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। ऐसा केड़ा इन्हों विचों जिहड़ा कि एक असेंशियल कंपोनेंट नहीं है अगर आप मेल मर्ज ऑपरेशन नूं परफॉर्म करना है। हूँ यह चीज़ समझने के लिए सब तो पहला तो आप पता होना चाहिए कि मेल मर्ज ऑपरेशन होंदा की है। ओके, मेल मर्ज ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिदे विच आप एट ए टाइम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नूं तैयार कर सकते हैं। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हों का लेआउट बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, सिर्फ परसोनीफाइड इनफॉर्मेशन का फर्क होगा, जिमें ए बी सी डी एवें अलग अलग है, ठीक है। हुण किदे किदे लई परफॉर्म किया जा सकता है? लेबल्स तैयार करने उहदे लई, एनवेलप्स लई, ओके, ईमेल्स दे लई, इन्हां लई मेल मर्ज ऑपरेशन नूं परफॉर्म किया जाता है। हुण अगर आप मेल मर्ज की गल करिए, इहदे विच बेसिकली अपने कोल थ्री पार्ट्स होंदे आ। केड़े केड़े? एक होंदा अपने कोल मेन डॉक्यूमेंट, मैं तुहानू एग्जाम्पल नाल समझाऊंगी, उवें ईजीली समझ आजूगा। ओके, सैकेंड होंदा अपना डाटा सोर्स, थर्ड होंदा अपनी मर्ज्ड डॉक्यूमेंट।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਏ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲਸ ਲਗਵਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ 200-300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੇਬਲਸ ਬਣਵਾਉਣ ਬੈਠੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇਲ ਮਰਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਲੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲੀ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਜਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਮਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ ਚਾਰ ਲੇਬਲਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਮਰਜ ਫੀਲਡ ਵਰਡ ਫੀਲਡ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਰਡ ਹੈ ਮਰਜ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਡ ਫੀਲਡ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ The ability to combine name, address with a standard document is called. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਲ ਮਰਜ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਨੇਬਲਸ ਅਸ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੇਆਊਟ ਉਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ 10 ਲੈਟਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਅ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਬਿਫੋਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਮਰਜ ਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਮਰਜ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਡੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂ ਕਰਸਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊ ਕਰਸਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊ ਤੇ ਕਰਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਊ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਐਰੋ ਕੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪ ਇਹ ਡਾਊਨ ਓਕੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਅਗਰ ਉਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਏ ਓਕੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਵਰਡ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਪ ਐਰੋ ਕੀ
ठीक है, कंट्रोल ते अपैरो की दे विच क्यों होगा, जिमें सपोज अगर मेरा कर्सर उरे है तो मैं कंट्रोल ते अपैरो की दबता तो मेरा कर्सर उरे मूव कर जू, मतलब एक लाइन तो ऊपर चला जाऊगा। ओके, अगर सिमिलरली मैं कंट्रोल ते डाउन की दब दिया तो कर्सर उरे सेगा तो फाइनली कितने आ जूगा, एक डाउन आ जूगा। ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ा ने याद रखनिया ने। नैक्सट करते हैं, वट इज़ द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन एम एस वर्ड। ऑल कैप्स फीचर का की मतलब है, जिमें सपोज मैं उरे लिखे, सपोज करो मैं उरे लिखा है ए बी सी, जो ही मैं ये ऑल कैप्स यूज करूँगी तो की हो जाएंगे, ये कैपिटल लैटर्स बन जाएंगे स्मॉल तो। ओके, मतलब की हो रहा है, इट चेंजिज ऑल द सिलेक्टेड टैक्सट इन टू कैपिटल लैटर्स। ओके, सो आंसर क्या होगा, ए। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन, इन्हों विचों ऐसा केड़ा है जेड़ा कि मार्जिन का टाइप नहीं है। आ देखो आ रहे मार्जिन, ये टॉप दिख रहा है, लैफ्ट, गटर, बॉटम, राइट। ओके, सो टॉप इज देयर, लैफ्ट इज देयर, बॉटम इज देयर, केड़ा नहीं है, सेंटर। सो अपना आंसर क्या होगा, डी। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, सो नैक्सट क्वेश्चन, वट इज द यूज ऑफ बुक मार्क्स, टू करेक्ट द स्पेलिंग्स, टू जम्प टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, टू इग्नोर स्पेलिंग मिसटेक्स, टू सेव अलाइनमेंट एज इट इज। देखो जो आप कोई नॉवल पढ़ते हैं आप की करते हैं, वो बुक मार्क रख दें। ठीक, ओके, वो की होंगे आप पता लग जाता है कि नैक्सट डे कि आप कितने तक पढ़िया सी, नैक्सट डे आप कि पेज तो पढ़ना है। सो सिमिलरली बुक मार्क का ये भी की यूज होंगे कि आप किसी भी अगर स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करना है तो वो आप बुक मार्क का यूज करते हैं। सो आंसर क्या होगा, बी। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन है, वट कैन बी सर्च बाय फाइंड। फाइंड ऑप्शन के नाल आप कि चीज़ में सर्च कर सकते हैं। ओके, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। सो यदा आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, With which view can you see how text and graphics will appear on the printed page? ऐसा इन्हों विचों केड़ा व्यू है जिदे नाल आपां नूं दिखूगा कि टैक्सट ते ग्राफिक्स है जिहड़े ओह प्रिंटेड पेज ते कैसे नज़र आणगे, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या वैब लेआउट। इहदा आंसर आऊगा बी, दैट इज़ प्रिंट लेआउट। इत्थे तुसीं देख सकदे हो अगर आपां प्रिंट लेआउट नूं क्लिक करदे हां तां आपणे कोल की लिखिआ आ रिहा, व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। ओके, सो इहदा आंसर आऊगा बी। अज के लिए इन्ना ही, बाकी आई थिंक एक होर वीडियो बनूगी एम एस वर्ड के उपर, मेन जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऑलमोस्ट सारे डिस्कस हो चुके हैं, जोड़े बचे हुए हैं वो नैक्सट वीडियो के डिस्कस करा। ओके, जो शॉर्टकट्स जिन्हें भी इंपॉर्टेंट है उन्होंने बारे भी डिस्कस करा। ओके, अच्छे तरीके अपनी तैयारी करते रहो, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के। थैंक यू सो मच।